हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2015 में आई एक ड्रामा रोमांस मूवी को, जिसका नाम है नताशा। इस मूवी में हम एक लड़की को देखेंगे जो कि अपने अंदर की कुलबुलाहट को शांत करने के लिए ये किसी भी इंसान के साथ घपाघप करने के लिए तैयार हो जाती है। तो आइए जानते हैं इस मूवी की पूरी कहानी को। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम मार्क नाम के एक लड़के को देखते हैं। मार्क यहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। पार्टी खत्म होने के बाद मार्क एक लड़की के साथ घपाघप करने के लिए उसके कमरे में जाता है, लेकिन ये लड़की मार्क के रॉकेट को लॉन्च होने से पहले ही ये उसे रोक देती है, जिसकी वजह से मार्क चुपचाप अपने घर पर आता है। घर आकर मार्क अपने लैपटॉप में मियां खलीफा की वीडियोस को देखता है और उससे मोटिवेट होकर ये अपना रॉकेट लॉन्च करके यहीं पर सो जाता है। अगले दिन मार्क की मॉम इसे उठाती है और बताती है कि आज इसके अंकल इससे मिलने आने वाले हैं, इसलिए ये जल्दी से उठकर तैयार हो जाए। इसके बाद हम मार्क के अंकल को देखते हैं, जो कि अपनी वाइफ जीना के साथ मार्क के घर पर आते हैं। ये सब मिलकर यहाँ पर डिनर कर रहे थे कि तभी मार्क की नज़र जीना की चोली पर पड़ती है, जिसकी वजह से मार्क चोली के अंदर के सामान को देखने लगता है। डिनर करने के बाद मार्क की मॉम मार्क को बताती है कि जीना आज रसिया जाने वाली है, क्योंकि जीना की पहले भी एक शादी हो चुकी थी जिससे उसकी एक 14 साल की बेटी है और वो उसे लेने ही रसिया गई हुई है। कुछ दिनों बाद हम मार्क की पूरी फैमिली को देखते हैं, जो एयरपोर्ट पर जीना को पिक करने आए थे। जीना यहाँ अपनी बेटी नताशा के साथ में आती है। मार्क यहाँ नताशा से पहली बार मिलता है। कुछ दिनों के बाद मार्क के अंकल जीना के साथ अपनी दूसरी शादी करते हैं। शादी के बाद ये सभी लोग मार्क के घर पर आते हैं और यहाँ पर पार्टी करते हैं। मार्क यहाँ केवल नताशा को ही देख रहा था। पार्टी खत्म होने के बाद मार्क नताशा को अपने कमरे में लेकर आता है। नताशा इससे पूछती है कि तुम अपने कमरे में ज्यादातर क्या करते हो। इस पर मार्क नताशा से कहता है कि मैं अपने कमरे में केवल पबजी खेलता हूँ और पढ़ाई करता हूँ। लेकिन नताशा इससे कहती है कि क्या तुमने कभी किसी लड़की को अपने कमरे में लाकर उसकी पुंगी बजाई है। नताशा की बात सुनकर मार्क हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम तो केवल 14 साल की हो और तुम इतनी कम उम्र में पुंगी बजाने की बात कैसे कर सकती हो। क्या तुम्हें इन सब बातों से शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। नताशा कहती है कि नहीं, मुझे इन सब बातों से जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, क्योंकि मैंने लगभग 100 लोगों से भी ज्यादा लोगों के साथ अपनी पुंगी बजवाई है और अगर तुम्हारा भी मन करे तो तुम भी मेरी पुंगी बजा सकते हो। मार्क कहता है कि तुम्हारी मॉम ने मेरे अंकल के साथ में अपनी शादी की है, जिससे तुम मेरी कजन सिस्टर लगोगी। ये सुनकर नताशा कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मेरी मॉम काफी घटिया किस्म की औरत है, क्योंकि मैंने उन्हें कई बार दूसरों के साथ घपाघप करते हुए देखा है। मार्क एकदम से शांत हो जाता है और ये कुछ भी नहीं बोलता। एक दिन मार्क की मॉम इसके पास आती है और ये मार्क से कहती है कि नताशा इस शहर में पहली बार आई है, जिसकी वजह से उसे यहाँ की चीजों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है और तो और उसका कोई फ्रेंड भी यहाँ पर नहीं है, इसलिए जब तक नताशा यहाँ पर किसी को अपना फ्रेंड नहीं बना लेती तब तक तुम उसके साथ में ही रहना, वैसे भी वो तुम्हारी कजन लगती है। अगले दिन मार्क नताशा के घर पर आता है। यहाँ नताशा की मॉम मार्क को नताशा के बारे में बताती है और कहती है कि नताशा अभी एक छोटी बच्ची है, इसलिए अगर वो तुम्हें कुछ उल्टा पुल्टा बोले तो तुम उसकी बातों से गुस्सा मत होना। नताशा की मॉम नताशा से दरवाजा खोलने को कहती है। नताशा दरवाजा खोलती है, तब इसकी मॉम इसे तैयार होकर मार्क के साथ बाहर जाकर घूमने के लिए बोलती है, लेकिन नताशा अपनी मॉम के ऊपर गुस्सा होकर कमरे से बाहर चली जाती है। मार्क भी इसके पीछे जाता है। मार्क नताशा से पूछता है कि तुम आखिर अपनी मॉम पर गुस्सा क्यों होती हो। तब नताशा इसे बताती है कि ये अपनी मॉम को जरा भी पसंद नहीं करती, बल्कि ये उनसे काफी नफरत करती है। मार्क यहाँ नताशा से बातें करता है और ये इसे अपने एक फ्रेंड रूपस के घर पर लेकर आता है। रूपस से मिलकर नताशा को काफी अच्छा लगता है और ये मार्क से रूपस के बारे में पूछती है। मार्क नताशा को बताता है कि रूपस यहाँ पर अकेला रहता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसके पेरेंट्स किसी दूसरे शहर में घूमने के लिए गए हैं। इसके बाद मार्क और नताशा एक रेस्टोरेंट में आकर डिनर करते हैं। मार्क नताशा को इसके घर पर छोड़ देता है। नताशा मार्क से कहती है कि कल तुम मेरे घर पर मत आना, क्योंकि कल मैं खुद तुम्हारे घर पर आऊंगी। अगले दिन मार्क अपने घर में पढ़ाई कर रहा था कि तभी इससे मिलने नताशा इसके घर पर आती है। ये दोनों बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं और फिर साइकिल लेकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। मार्क रास्ते में अपने कुछ दोस्तों से मिलता है और उन्हें गांजे की पुड़िया देता है। ये देखकर नताशा को पता चल जाता है कि मार्क के पास असली गांजा है, इसलिए ये फूंक मारने के लिए मार्क से गांजा मांगती है। मार्क भी गांजे की एक बत्ती बनाकर उसे फूंकता है और नताशा भी दो तीन फूंक मारती है।
नताशा मार्क से उसका लैपटॉप यूज करने के लिए मांगती है, तो मार्क भी उसे अपना लैपटॉप यूज करने की परमिशन दे देता है। नताशा जैसे ही लैपटॉप ओपन करती है तो ये लैपटॉप में घपाघप की वीडियोस को चलते हुए देखती है। दरअसल घपाघप की इन वीडियोस को मार्क देख रहा था, लेकिन वो इसे बंद करना भूल गया था। घपाघप वाली वीडियोस देखकर नताशा को काफी अच्छा लगता है। नताशा लैपटॉप में अपनी प्रोफाइल ओपन करके अपने प्राइवेट फोटोज को मार्क को दिखाने लगती है। फोटोज को देखते ही मार्क का हथियार फड़फड़ाने लगता है। नताशा कहती है कि क्या तुम मेरे साथ घपाघप करना चाहोगे। मार्क यहाँ पर कुछ बोलता कि उससे पहले ही नताशा अपने कपड़े निकाल देती है, जिसकी वजह से मार्क नताशा के साथ कमरे में ही घपाघप करना शुरू कर देता है। एक बार घपाघप कर लेने की वजह से ये दोनों अब एक दूसरे के साथ में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं, और ये दिन में कई बार घपाघप भी करते हैं। मार्क अब धीरे धीरे नताशा को पसंद करने लगता है। एक दिन मार्क के अंकल और नताशा की मॉम कहीं पर घूमने जाते हैं, जिसकी वजह से नताशा को मार्क के घर पर ही रुकना पड़ता है। मार्क और नताशा एक कमरे में एक साथ होते हैं और बातें करते हैं। नताशा कहती है कि इसे इसके साथ रहने में काफी अच्छा लगता है और ये चाहती है कि काश ये यहाँ पर हमेशा के लिए रह पाती। मार्क इससे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ पर रह सकती हो। नताशा सैड होकर मार्क से कहती है कि इसकी मॉम इसके अंकल को धोखा दे रही है, क्योंकि इसकी मॉम अभी भी किसी दूसरे आदमी से मिलने जाती है। नताशा कहती है कि इसने इसके अंकल को सब कुछ बताया था, लेकिन उन्होंने इसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं किया। इसके बाद हम मार्क के अंकल और नताशा की मॉम को देखते हैं, जो घूमकर घर वापस आ गए थे। नताशा की मॉम नताशा को अपने साथ घर चलने के लिए कहती है, लेकिन नताशा कहती है कि ये यहाँ से नहीं जाएगी, बल्कि इसे यहाँ पर रहना काफी अच्छा लगता है। नताशा की मॉम इससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहती, और तुमने मार्क के साथ जो जो कांड किए है ना, मुझे वो सब मालूम है। ये सुनते ही नताशा अपनी मॉम को मारने लगती है, लेकिन मार्क के डैड नताशा को पकड़ लेते हैं। नताशा अपनी मॉम पर काफी गुस्सा करती है। मार्क के मॉम और डैड नताशा को काफी ज्यादा समझाते हैं, जिसकी वजह से नताशा को अपनी मॉम के साथ वापस जाना पड़ता है। अगले दिन मार्क नताशा से मिलने इसके घर पर जाता है। यहाँ नताशा की मॉम मार्क से कहती है कि बेटा इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि नताशा ही एक बिगड़ी हुई लड़की है जिसकी आदत काफी गंदी है, क्योंकि उसने जवान तो छोड़ो उसने कई बूढ़े आदमियों के साथ अपनी पुंगी बजवाई है। ये कहकर नताशा की मॉम दरवाजा बंद कर लेती है और मार्क को यहाँ से जाने के लिए बोलती है। इसी रात नताशा अपना सारा सामान लेकर मार्क के घर पर आ जाती है। नताशा मार्क से कहती है कि ये वापस अपने शहर में जा रही है, इसलिए क्या तुम मेरे साथ में चलोगे। ये सुनकर मार्क कुछ भी नहीं बोलता। नताशा बताती है कि इसकी मॉम ने इसके अंकल के साथ में डिवोर्स ले लिया है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंकल के साथ घपाघप कर रही थी, और घपाघप करते समय मेरी मॉम ने मुझे देख लिया था, और मैं यही चाहती भी थी ताकि मेरी मॉम और तुम्हारे अंकल के बीच में लड़ाई हो जाए, जिससे उनका डिवोर्स हो जाए, क्योंकि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल को चीट कर रही थी और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मार्क यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता और ये नताशा को कमरे में लेकर जाता है। नताशा कल चली जाएगी। इस गम में मार्क पूरी रात नताशा के साथ घपाघप करता है। सुबह होने पर मार्क नताशा को अपने पास से कुछ पैसे देता है, ताकि नताशा को यहाँ से जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद नताशा अपना सामान लेकर चुपचाप यहाँ से चली जाती है। इसके बाद मार्क के घर में इसके अंकल की शादी के बारे में बात चल रही थी कि आखिर क्यों इसके अंकल ने जीना को डिवोर्स दे दिया। मार्क को सब सच पता था, लेकिन ये किसी को कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद मार्क का दोस्त रूफस इसे कॉल करता है, बट मार्क रूफस का कॉल पिक नहीं करता। एक दिन मार्क रूफस के घर पर आता है। मार्क यहाँ नताशा को भी देखता है, जो कि अब रूफस के साथ रहने लगी थी। रूफस मार्क से कहता है कि मैंने तुम्हें नताशा के बारे में बताने के लिए कई बार कॉल किया था, लेकिन तुमने मेरी एक भी कॉल पिक नहीं की। नताशा यहाँ आकर मार्क को देखती है। मार्क भी नताशा को गुस्से से देखता है। मार्क समझ जाता है कि प्यार व्यार कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो सब एक धोखा होता है। मार्क अपनी साइकिल लेकर गुस्से से यहाँ से चला जाता है, और घर आकर मार्क नताशा के बारे में ही सोचता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।